1913 और उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर्स ने मॉडल टी निकाला था बड़ी सेल थी उसकी और इतनी सेल थी कि उससे पूरी नहीं हो रही थी अच्छा उससे प्रॉब्लम यह था वो क्या उसने उसने जब चेक किया कि मसला क्या आ रहा है तो पता चला कि जी फोर्टी फाइव परसेंट से पचास फ़ीसद लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो उस वक्त पर डे जो वेज रेट था वो ढाई डॉलर था तो उसने कहा यार मुझे तो रिटेन करना है बिकॉज ये तो नॉलेज इंडस्ट्री है मुझे तो तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे पाँच डॉलर कर दी अच्छा पाँच डॉलर कर दी तो पूरी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कहा कि ये पागल हो गया इंसान ये अपनी बिजनेस बंद कर देगा हुआ क्या कि वो जब जब पाँच डॉलर की तो उसका जो एट्रिक्शन रेट है वो उठ के फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट जीरो के ऊपर आ गया उसका एक्सपीरियंस लोगों का बढ़ गया और उसकी प्रोडक्टिविटी छत से लग गई और मॉडल टी बिकेम द हाइस्ट सेलिंग मॉडल इन 1915. हंड्रेड एंड फिफ्टीन एज अ कॉन्सिक्वेंस बिकॉज और ही मेड दैट ईयर टेन मिलियन यू एस डॉलर और उसने कहा कि यार मेरे बंदे इतने पैसे कमाना चाहिए कि जो गाड़ी बना रहे हैं ना वो मेरी गाड़ी खरीद सके नहीं तो क्या फायदा हुआ कि गाड़ी बना रहा है वो खरीद नहीं सकता तो आइडियली लाइफ टाइम के अंदर तो गाड़ी खरीदनी चाहिए और उसने इतना प्रॉफिट बनाया और इतनी सेल्स की और पाँच डॉलर भी कर दिए उसने डबल कर दी has, no तो होल इंडस्ट्री हैज़ वेफ्ट नो चॉइस बिकॉज दे सो के तो कमर्शियल केस है दे फॉलो द सूट और पूरी इंडस्ट्री की जो है ना पाँच डॉलर हो गई और वो ओवरऑल वो पाई साइज भी बढ़ाता रहा साइज भी बढ़ाता हाँ। रहा अच्छा दोनों तरफ बेनिफिट हो गया कंपनी ने बेनिफिट किया और लोगों ने भी बेनिफिट किया राइट तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा अच्छा मैं भी करके देखता हूँ यार देखो ये होता भी है कि नहीं होता तो मैंने कहा यार ये जितने भी हमारे सेल्स फोर्स है ना इनकी जो है ना सैलरी हम डबल करते हैं तीन साल के अंदर मैं फौरन तो नहीं करता तीन साल में करते हैं तो मेरा जो फाइनेंस का बिजनेस पार्टनर है उसने कहा कि बिजनेस कैस क्या है जरा वर्कशीट तो करके दिखाया मेरा कर दिखा मेरे पास वर्कशीट तो नहीं है बट मेरा अजम्पशन है कि इससे वाई 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 पे चल रहा हूं। <laughs> रेट गिर जाएगा राइट तो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग होंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे राइट तो खैर हमने एक साल किया उस साल हमने चालीस फीसद बढ़ाई सेकेंड ईयर हमें कुछ और करना चाहिए तो हमने सेकेंड ईयर किया कि हम गए उसके पास में तेरा मार और क्या मसला है उसने कहा जी मेरा जो है ना वो दवाई का बहुत मसला है और कोई बीमार हो जाए मेरे पास फिर मुझे कर्जा लेना पड़ता है तो एक कंपनी है नया जीवन right. हमने उनसे बात की उन्होंने कहा जी जितने भी पाँच छः हज़ार लोग हैं इनकी रिस्पांसिबिलिटी हम लेते हैं उनका एक बहुत ही एक अच्छा हम लोग पैकेज निकालेंगे इनका इनकी बीवी का इनके बच्चों का मेडिकल बिल हम देंगे उसके मंथली आप छः सौ सात सौ प्राइवेट इंश्योरेंस टाइप बन गई फॉर करेक्ट राइट तो हमने कहा भाई ये तुम्हारा कार्ड है जब बीमार हो गए कार्ड दिखाना तो तुम्हें पे नहीं करना होगा राइट right. वो बड़ा खुश हुआ तीसरे साल हमने कहा यार कुछ और भी करना चाहिए तो तीसरे साल हमने क्या किया हमने कहा यार तुम्हारे माँ बाप है कहा हमने कहा यार उसकी मेडिकल हम देंगे और बच्चों का एजुकेशन बिकॉज वो काफी तो बच्चों को भेजते ही नहीं थे क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकता था mm. ये काम हमने तीन साल किया टोटल हम जो पैसे डाले थे सौ मिलियन रुपए डाले थे उन तीन साल के अंदर हमने साठ साल में उतनी सेल नहीं की जितनी हमने उन तीन साल में डबल कर दी सेल और हमारा एट्रेसन आ गया फोर्टी टू टू परसेंट सो इट्स अ प्योर कमर्शियल केस व्हेन यू लुक आफ्टर पीपल लुक आफ्टर यू वो डेडिकेटेड होते हैं दे ब्रिंग द बेस्ट टू द वर्क प्लेस बिकॉज उनके जितने भी परेशानियाँ अब आपने कहा यार तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है तुम्हारा खर्चे अखराज हो गए तुम्हारे सेहत का ख्याल हो गया तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हुई, गई तुम्हारे माँ बाप की आ, दवा हो गई और हमने ये देखा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है इट hmm. वर्कस